हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। मैं ललित राठी ABL क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम NCERT क्लास 9th के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। यहां पर हमने NCERT क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका नेम है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे ही चैप्टर फर्स्ट में मैंने स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज आपको की पॉइंट्स उसके बताए थे, क्योंकि वो की पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिससे कि आपको चैप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल जाती हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स कनेक्टेड बाई फोर फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है 6x² माइनस 5y² प्लस 2xy, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का, बट वो कॉम्बिनेशन किसके हेल्प से होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, वो कहलाता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू देख रहे होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली होल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। यानी कि अगर आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या क्या होते हैं, x, y, z या फिर ABC इस टाइप से जो टर्म्स होंगी वो आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं, अगर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक वेरिएबल है तो वो क्या कहलाएगा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देख रहे होंगे, कितना भी बड़ा हो सकता है वो, ऐसा नहीं है कि उसमें सिंगल ही टर्म हो, ठीक, बट उसमें वेरिएबल एक यूज़ हुआ होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप 3x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 5, तो यहाँ पर x ही वेरिएबल आपका यूज़ हो रहा है, तो ये हो गया आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, द पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड ए टर्म। यानी कि जो हम सेपरेट करते हैं पॉलिनोमियल टर्म्स को, उन जो सेपरेट होते हैं पार्ट्स पॉलिनोमियल प्लस या माइनस साइन से, दैट्स कॉल्ड द टर्म्स, एंड ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज़ ए कॉफिशियंट, और हर टर्म का एक कॉफिशियंट होता है। जैसे x² प्लस 3x, तो यहाँ पर x² एंड 3x आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि x² अलग है और 3x अलग है, तो ये आपकी दो टर्म्स हो गई इस एक्सप्रेशन की, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वो आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, x² प्लस 3x, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, सो हेयर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, व्हाइल इन द x+2 हाईएस्ट पावर इज 1, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है, सो हेयर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, ठीक। अगर मैं फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखूं, फर्स्ट में तो ये 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, जो जो टर्म्स आपको बताई जा रही हैं उन सब पर आपको आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसीलिए सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, जिससे कि आपको पूरा ओवरव्यू हो जाए किसका, चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिफ्थ, द वैल्यू ऑब्टेन ऑन पुटिंग ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं किसी वेरिएबल की एक पॉलिनोमियल में, तो वो क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल है उसकी जगह पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो कहला जाती है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे x² प्लस 3x है, इफ़ हेयर वी आर पुटिंग x = 2, अगर हमने यहाँ पर x की जगह पर जो वेरिएबल है हमारा 2 पुट कर देते हैं, देन वी गेट 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2,
तो टू का स्क्वायर मतलब टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू टू, देन वी गेट फोर, टू इंटू टू फोर प्लस थ्री इंटू टू सिक्स, देन वी गेट टेन। तो टेन आपकी होगी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। चलिए सिक्स पॉइंट देखते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज ए नंबर अल्फा सच दैट पी अल्फा इक्वल्स टू जीरो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रूट इफ पॉलिनोमियल इक्वेशन पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर जब आप क्वेश्चन करेंगे तब ये अच्छे से क्लियर होगा, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। यानी कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को हम रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि किस किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई होता है, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं उस पॉलिनोमियल के, वहाँ से जो वैल्यू हमको मिलेगी दीज आर द जीरोज या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ठीक है। जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तब हमें अच्छे से पता चल जाएगा। सेवन पॉइंट देखते हैं। लेट एफ एक्स बी एन एनी प्रॉब्लम ऑफ डिग्री सॉरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, और यहाँ पर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, यानी कि एन की वैल्यू जो है, जो डिग्री है वो ज़ीरो नहीं होगी, एंड ए बी एनी रियल नंबर, और एक रियल नंबर है कोई भी, इफ़ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई ए लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज एफ ए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई पॉलिनोमियल है और अगर हम उसको उसे हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर हमारा एक रिमाइंडर बचेगा या फिर ज़ीरो बचेगा रिमाइंडर, वो कहलाता है आपका रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको हमने यहाँ पर एफ ए बोल दिया है क्योंकि हमने यहाँ पर ए को क्या लिया है, एक रियल नंबर लिया है, कंसिडर किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट। लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, और एन आपका ग्रेटर देन वन है जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, एंड बी एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए मतलब यहाँ पर ए जो है वेरिएबल रियल नंबर है, देन इफ एफ ए इक्वल्स टू जीरो देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। यानी कि एक तरह से सेवन्थ पॉइंट का ही थोड़ा डिटेल यहाँ पर बताया गया है, जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे उसके हिसाब से। अगर आपकी ए वैल्यू पर पॉलिनोमियल एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती है तो वहाँ पर एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है, क्लियर। इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, अगर उसने ऐसे दिया है कि एफ एक्स का एक फैक्टर है x माइनस ए, देन एफ ए इक्वल्स टू जीरो, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। अब कुछ और टर्म्स हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स भी डिवाइड करते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। जैसे हम कहते हैं ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड द मोनोमियल, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसमें एक नॉन जीरो टर्म होती है वो मोनोमियल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। सेकंड देखते हैं, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड द बाइनोमियल, यानी कि जिसमें आपकी दो नॉन जीरो टर्म्स होंगी वो आपका बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग थ्री नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि अगर एक में आपका माना टू भी है या फिर टू एक्स है तो दिस इज द मोनोमियल टर्म, अगर आपका टू एक्स प्लस वन है तो दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल टर्म, और अगर आपका 2x square plus x plus 1 है तो this is called the trinomial term, यानी कि जिसमें जितनी टर्म्स होंगी उसके हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। अब डिग्री ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से हम कैसे डिवाइड करते हैं या कैसे क्लासीफाई करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने अभी ऊपर आपको अच्छे से बताया है, जो मैक्सिमम पावर होती है हमारे वेरिएबल की वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है, तो उसके हिसाब से देखते हैं। इफ़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ज़ीरो, अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री ज़ीरो है इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि ज़ीरो का मतलब क्या है, अगर एक्स की वैल्यू एक्स की पावर ज़ीरो होगी किसी टर्म में तो देन वी गेट वन, तो वन क्या है, एक कांस्टेंट ही थी, तो इसलिए बोल देते हैं उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। किसी की भी पावर ज़ीरो होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होती है, ठीक है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास है टू एक्स, हमारे पास है एट बाई
हमारे पास है ए या फिर हमारे पास है 2b, तो ये सब कैसे होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है तो वो क्या आएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे 2x² + 1 या फिर 2x² + x + 1। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ वन देखते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे 3x³ + x² + 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, या फिर y की पावर 3 + 2y² + y + 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इट्स कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट वन इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 होगी, जैसे कि हम मानते हैं y की पावर 4 + 3y² + 2 + 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इट्स कॉल्ड द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज वेरिएबल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कुछ टर्म्स बताने की कोशिश की है, वैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थी हमारी वो आपकी मैंने बता दी है। देखते हैं इसमें क्या है। एग्जाम्पल, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो, हमें हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। तो जैसे मैंने ऊपर डिग्री बताया था कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल में यूज हुआ है वो आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, तो दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 5, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 8, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 8, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है केवल, तो 2 मतलब कि एक्स या वाई या फिर ए या फिर बी कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसकी पावर क्या होगी, 0 होगी। द ओनली टर्म हेयर 2 विच कैन बी रिटन एज 2x⁻⁰, है ना। सो द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज 0, यानी कि जो एक्स की पावर है वो क्या है, 0 है, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है, तो आई होप ये सारी टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर ये सब एक्सरसाइज में चैप्टर 2 की आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके साथ साथ कुछ मैं मल्टीप्लिकेशंस और बता देता हूँ आपको, जब हम सॉल्व आउट करेंगे तब वो वहाँ पर यूज होने वाली हैं, देख लेते हैं। जैसे अगर आपने लिखा हुआ है 100 की पावर 2, तो एकदम से हमें कैसे लिखना है इसको, 100 यानी कि 20 है और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो 0 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और डिवीज़न वाला मैंने 100 से डिवीज़न वाला आपको पहले ही बता दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ का स्क्वायर भी मैंने आपको बता दिया है, तो वो छोटी छोटी टर्म्स मैंने आपको बता दी हैं। चलिए बच्चा पार्टी, ये आपका इम्पोर्टेंट कीज़ या इम्पोर्टेंट टर्म्स थी चैप्टर सेकंड की, जो हम चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताई हैं, जिससे कि आपको सेकंड चैप्टर अच्छे से क्लियर होता चले एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी, थैंक यू AVL क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।